हमारा जो आने वाला ये सैटरडे है इसके लिए तैयार रहना है, यानी कि मुझे लगता है कौन सी डेट पड़ेगी आपकी? 20 मार्च। 20 मार्च को हमारी जो एक श्रृंखला है इंटायर वीडियो की, 20 मार्च को एक हमारी यहाँ पे बृहद स्तर की क्लास होगी। तो आप बता दीजिएगा, जितने भी आपके मित्र हैं जो आना चाहें आ सकते हैं इसमें। तो सुबह वही 9 बजे, 20 20 पड़ रहा है, 20 मार्च है, सैटरडे को ही रखेंगे, संडे ऑफ रखेंगे। तो पहली क्लास आपकी इसी सैटरडे को है, शनिवार को है, ठीक है। और ये शनिवार को हम 9 बजे से क्लास शुरू करेंगे, और लास्ट इसका इसलिए नहीं पता क्योंकि ये इतिहास का इंटायर है। तो इस हिसाब से अभी देखो, आज मैं आपको अग्रिम सूचना इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ मेंटली। खान पान, सोना जगना, सारा चीज़ें ये अभी से प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो इतिहास की इंटायर वीडियो की क्लास होगी, इतिहास का हम पहली बार, मैं ये मेरे लिए भी ऐतिहासिक ही होगा। लास्ट इसमें तीनों इतिहास के मुद्दों को हम सम्मिलित करेंगे, प्राचीन भारत भी करेंगे एक ही साथ, इसी के साथ मध्यकालीन भारत भी करेंगे, और एक ही साथ जो है आधुनिक भारत भी करेंगे। मैं तीनों को एक साथ कराने का प्रयास करूँगा। तो ये एक बड़ी और व्यापक विषय वस्तु होने जा रही है इंटायर वीडियो की, ठीक है। एक दिन का मैं आप लोगों को रेस्ट भी दूंगा, ठीक है, क्लास का एक दिन का रेस्ट इस बीच में दूंगा, कोई भी दिन हो सकता है, ठीक है, वो आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। तो ये हमारा जो इंटायर वीडियो का, ताकि थोड़ा सा आप लोग प्रिपेयर हो जाएं, ये एक बड़ी क्लास होगी, एक ही दिन में इतनी बड़ी विषय वस्तु जानी है, तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी रखना है, मुझे भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है, कंटेंट थोड़ा सा भी, क्योंकि मैंने कोई तैयारी नहीं की है। और देखते हैं, इस पर करना है, बहुत डिटेल से कराऊंगा, कुछ भी बचेगा नहीं। तिथियां जितनी भी हो सकती होंगी सारी मैं संकलित करके, जितनी भी डेट हैं आपको क्लास में याद कराने का भी प्रयास करूंगा कि आपको डेटें याद हो जाएं, जुड़ जाएं श्रृंखला। तो अभी तक का हमारा रिकॉर्ड रहा है, आप लोग जो बैठे हैं लास्ट 14 घंटे तक बैठ चुके हैं, 13 घंटे की तो क्लास है ना, लेकिन जो अवधि है आपकी बैठने की, 14 घंटे तक आप लोगों ने लगातार बैठे थे आप लोग। इस बार इसको हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है, तोड़ देंगे, तो उसी हिसाब से आप प्रिपेयर होइएगा। तो एक क्लास तो आपकी ये हो गई, इंटायर वीडियो की क्लास इतिहास की, ये मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। यूट्यूब तक आने आने में मुझे लग रहा है 25 तारीख तक हो जाएगी, 25 मार्च तक ये यूट्यूब में पब्लिक होगी, ऑफलाइन भी इसको होगी तो 25 तक आ पाएगी, क्योंकि बड़ा वीडियो है, पहुँचते पहुँचते। दूसरा शायद वो वीडियो मैं केवल पब्लिक ही करूँ, झारखंड राज्य का मास्टर वीडियो, झारखंड राज्य का मास्टर वीडियो अभी यही इसी अवधि में मैं प्रिपेयर करूँगा और प्रयास करूँगा कि ये बच्चों तक पहुँचा दूँ, तो पूरा कंप्लीट मास्टर वीडियो ये चला जाएगा। तीसरा, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस मार्च के महीने में होने की होंगी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार मीटअप है हमारा, बिहार हम जा रहे हैं, बिहार के बच्चों से मिलने हैं, ठीक है। तो ये आपका अप्रैल में होगा, 1 अप्रैल को हमने प्लान कर रखा है। अब देखते हैं तिथि और स्थान, वहाँ पे एक बार थोड़ा सा मुझे बात भी करना पड़ेगा स्थानीय प्रशासन से, ताकि एक जगह अच्छी मिल जाए, क्योंकि कोविड का इरा चल रहा है। तो बिहार मीटअप होगा, और बिहार मीटअप के साथ साथ झारखंड मीटअप भी होगा, दो मीटअप हैं दो राज्यों में जो है। बिहार मुझे लगता है मैं पहली बार ही जाऊँगा इस बार, और झारखंड भी पहली बार ही जाना होगा, चूँकि दोनों को एक साथ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिहार जाके फिर मैं झारखंड तक ना जाऊं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि झारखंड के लिए सेपरेट ऐसे समय निकाल पाना फिर बहुत बहाने हो जाएंगे। इसलिए बिहार जाके ये दोनों मीटअप प्रोग्राम मैं अप्रैल, मतलब कि ये मान लो 1 अप्रैल को होगा, तो ये हम शायद 4 अप्रैल को इसे रखें, ठीक है। ये हम पटना में रखेंगे, राजधानी में, और ये हम रांची में रखेंगे। तरीका वही होगा, बच्चों को किसी पर्टिकुलर एक स्थान में बुलाया जाएगा, आएंगे वहीं पे, मैं 2 घंटे 3 घंटे का सेशन लूँगा, फिर मुलाकात होगी, फिर इसके बाद चले आएंगे। इसी बीच में मैं कुछ भारत दर्शन के प्रोग्राम सोच रहा हूँ, अभी मुझे कुछ स्थान मैं सोच रहा हूँ कि और इस पर सर्च किया जाए क्या क्या हो सकते हैं। एक तो मुझे लग रहा है चंपारण जा सकते हैं इसी टाइम पर, चंपारण है, चंपारण से महात्मा गांधी के सत्याग्रहों को पढ़ाया जा सकता है अच्छे से, ठीक है। एक बड़ा इंडिया जो नेशनल मूवमेंट है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, तो चंपारण हम जा सकते हैं यहाँ से,
चंपारण के बाद मुझे दूसरा जो एक क्षेत्र दिख रहा है वो है पटना में मगध साम्राज्य। तो यदि कुम्रहार या फिर उसके आसपास कोई ऐसा हमें क्षेत्र मिलता है, लोकेशन मिलता है, तो मगध साम्राज्य और महाजनपद काल के बारे में बात हो सकती है हिस्टोरिकल। चूँकि आप मैंने देखा कि मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को जोड़ दिया है, तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ऋग्वैदिक काल, फिर महाजनपद काल आता है। तो महाजनपद को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका मगध ही है, ठीक है। जो आपका ये जो पूरा आदिम काल का इरा है, ये तो मैं भीमबेटका से पढ़ाऊंगा। जब मैं भीमबेटका मध्य प्रदेश जाने का अवसर मिलेगा तो वहाँ से मैं पाषाण काल पूरा कवर करा दूंगा। पाषाण काल का कुछ नहीं बचेगा। तो एक क्या होगा, हमारा सीक्वेंस बन जाएगा कि वहाँ से पाषाण काल पूरा हो गया, फिर यहाँ से कालीबंगा से इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, फिर इसके बाद ऋग्वैदिक काल के लिए देखेंगे कोई ना कोई क्षेत्र मिलेगा, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट अपना जो है महाजनपद काल यहाँ से निपटा देंगे। फिर आप लोग क्रम से देखेंगे, हो सकता है मौर्य काल, ये सब चीज़ें भी है। ये बड़ा टास्क है लेकिन करना है तो करना है। मगध साम्राज्य में फिर मैं सब कुछ सबको खींच दूंगा, मौर्य और जितने भी हैं। मगध में सारा गुप्त तक का आता है पूरा का पूरा। इसके बाद यहाँ पे एक और साइट है आपकी नालंदा, नालंदा से पढ़ सकते हैं, है ना, बगल ही में, ज़्यादा नहीं, पटना से थोड़ा सा ही बगल में नालंदा भी पड़ता है। इसके बाद एक जगह पढ़ रही है वहाँ पे गया में बोध गया है, तो बोध गया से हम बौद्ध धर्म पढ़ सकते हैं, है ना, बोध गया से बौद्ध धर्म पढ़ सकते हैं। और ये महात्मा बुद्धा के जीवन को यहाँ से, या कि यहाँ से ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसके बाद और कौन कौन सी साइट हो सकती है, देखो साइट तो बिहार तो भरा पड़ा है, बहुत कुछ है। हाँ, समय की बहुत वो है, लेकिन देखेंगे जैसे मैक्सिमम रूट जो मिलते जाएंगे, प्रयास करूँगा कि मैं उन रूट को भुनाना है, मतलब कुछ छोड़ना नहीं है। क्या, कहाँ पे, कहाँ जाने के लिए, हाँ राजगीर जाना है ना, हाँ तो फिर वहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक आपका है, फिर मैं रांची निकलूँगा तो रांची में कर्क रेखा जाती है वहाँ से, तो यहाँ पे जाके खड़े होकर के कर्क रेखा से भारत और विश्व की जितनी भी कर्क रेखा में अवस्थित कंट्री हैं, उनके जो देश हैं या फिर भारत के राज्य हैं, ये भी प्रयास रहेगा कि ये भी काम हो जाए। तो ये शायद 3 से 4-5 एपिसोड इसके निकल के आएंगे आपके भारत दर्शन के, और इसके बाद बाकी के एपिसोड आपके, ठीक है, समय कम है, नहीं तो मैं धीरे से तो नेपाल भी निकल जाता, लेकिन मैंने सोचा अभी नेपाल के लिए रहने देते हैं, अभी मतलब इतना कर लेते हैं, इतना कवर हो गया तो काफ़ी हो गया। फिर कौन, फिर बिहार तो आना जाना बना ही रहेगा, बिहार अपना एक तरीके से आने वाले समय पे सेंटर भी वहाँ पे जाएगा, तो बिहार से एक जुड़ाव होना ही है, अभी भी है। तो ये एक हमारा ये मतलब पूरा शेड्यूल रहेगा, होली की छुट्टी में ऐसे नहीं जाए जाने दूंगा, होली की छुट्टी में ये पूरा हम कार्यक्रम रखेंगे। तो 20 तारीख से हमारा एक मतलब समझ सकते हैं कि एक मेहनत चालू हो जाएगी बड़े लेवल की, इंटायर वीडियो से ही एक बड़ा प्रयास चालू हो जाएगा। फिर इसी बीच में मैं झारखंड का मास्टर वीडियो दे दूंगा, इसी बीच में आप लोगों को फिर एक एक करके जितने एपिसोड हो सकते हैं पॉसिबली, मैक्सिमम जितना कर पाएंगे उतना मैक्सिमाइज कर देंगे। बिहार में तो हर एक क्षेत्र में आप जिधर घुसोगे, बिहार झारखंड में तो बहुत चीज़ें हैं, आप जमशेदनगर जा सकते हैं, वहाँ से भारत का पूरा औद्योगिक इंडस्ट्रियल कल्चर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर कभी नेक्स्ट जब मौका मिलेगा तो थोड़ा सा दामोदर घाटी परियोजना है पूरी की पूरी, वहाँ से भी आप बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, या फिर वो तो टिहरी से मैंने जल विद्युत परियोजनाएँ और सारी चीज़ें पढ़ा भी दी हैं, बांध वगैरह ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके अलावा वहाँ पर धनबाद से पूरा जो कोयला उद्योग है, कोयला खनिज है, तो खनिज के बारे में पूरा पढ़ाया जा सकता है, लोहा क्षेत्र भी है वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब झारखंड भी अपने आप में समाहित किए हुए हैं बहुत सारे विषयों को। हाँ, झरिया है तो बता दिए, है तो बहुत कुछ, लेकिन मुद्दा बस वही है कि समय नहीं है। यदि इधर सबसे पहले चीज़ है कि क्रैश कोर्स का एक हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, तो उसे भी पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये एक रहेगा कार्यक्रम, बच्चे इसमें जो आएंगे उनको लाभान्वित करेंगे, क्योंकि ये होली का टाइम रहेगा, होली के बाद मिल रहे हैं, नहीं पता चला होली पहले मिले तो होली मिलन समारोह ही बना दिए, खिला दिए होली वहाँ पे, ठीक है। तो होली के बाद ही मिलेंगे, होली के पहले मैं 2-3 सूट कर ही लूँगा, मतलब चंपारण यहाँ से जाते ही गोपालगंज से चंपारण ही निकल जाएंगे, चंपारण से फिर वापस लौटेंगे हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गाँव सिवान जाएंगे, और सिवान से फिर हम लोग फिर निकलेंगे आपका पटना की तरफ।
तो ऐसे करके मैंने एक रूट डिजाइन कर रखा है, देखते हैं वो रूट कितना होता है। ड्राइव मुझे करना है, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड ये भी बनेगा कि एक साथ जो है लंबी यात्रा, मतलब मैं चला चुका हूँ अच्छा खासा, मतलब 1,000-1,500 किलोमीटर में लगातार चलाता हूँ गाड़ी। हाँ, शशि सर भी रहेंगे, शशि सर भी सपोर्ट में रहते हैं हमें। शशि सर हो गए, रविंद्र सर भी जाएंगे आपके, और एज अ टीम हम लोग लगभग जाएंगे सारे। तरुण जी शायद ना जा पाएं क्योंकि अभी उनकी क्लासेस रहेंगे, नहीं तो ले जाते। तो चलिए आप लोग आनंद लीजिएगा इस टाइम पीरियड पे, है ना। झारखंड में, पटना में अपने बहुत बच्चे हैं, झारखंड में भी बहुत बच्चे हैं, झारखंड में भी स्टूडेंट ही स्टूडेंट हैं। तो पिछला मीटअप मैंने होली का किया था देहरादून में, ठीक है। देहरादून में थोड़ा सा एक जटिलता यह है कि पहाड़ों में बच्चे ज़्यादा रहते हैं, पहाड़ में, और फिर उसमें बेल्ट अलग अलग हैं, गढ़वाल अलग है और कुमायूं अलग है। तो कुमायूं बेल्ट बहुत अलग है, मतलब पूरा अलग ही बेल्ट है, बहुत इधर है, पहाड़ों से बहुत जटिलताएं भी होती हैं। तो ये मैदानी हिस्सा है, इस बार पहले इसे निपटाना है, फिर अगला बार MP और छत्तीसगढ़, ये दो स्टेट एक साथ इनको कम्प्लीट कर लेंगे। फिर हमारा बचेगा राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, मुखर्जी नगर में आज तक मीटअप नहीं किया हूँ, तो एक मीटअप मेरा वहाँ भी बनता है, वहाँ भी करेंगे। वहाँ तो वहाँ भी बहुत बच्चे भरे पड़े हैं, तो वहाँ मैं ये है कि जाऊँगा सबसे, जो जिनको आना होता है, यहाँ पे बहुत बच्चे आ भी जाते हैं, लेकिन फिर कभी ना कभी एक टाइम आएगा।